लसूड़ा क्षेत्र में 15 महीने की मासूम बच्चे की घर में बाल्टी में डूबने से मौत हो गई। मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए FY हॉस्पिटल में भिजवाकर जांच शुरू कर दी है। घटना लसूड़िया थाना क्षेत्र के बालाजी कॉम्प्लेक्स की है। यहाँ रहने वाला एक परिवार रोज की तरह मजदूरी करने गया था। वहीं 15 माह की बच्ची नंदनी और उसकी बड़ी बहन घर पर ही थी, तभी खेल खेल में नंदनी पानी से भरी बाल्टी में डूब गई। कुछ देर बाद परिजन घर आए तो नंदनी बाल्टी में गिरी हुई मिली। परिजन बच्ची को लेकर MY हॉस्पिटल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। ये जानकारी मिली कि नंदनी पिता चंपालाल जो है कहीं बालाजी आर्ट्स में काम करते हैं, तो दोनों कुछ डब में गिर गई थी बाल्टी में खेलते खेलते, और ये दोनों कहीं काम करने गए थे सामने साइट पे। हाँ। तो वो उसके साथ एक तीन साल की उसकी सिस्टर थी जो मृतक हैं, उसकी बहन थी, तो वो साथ में रहती थी, पर वो क्या है सो गई थी। तो ये खेल रही थी बच्ची बाहर टप में बाल्टी के साथ, तो बाल्टी में अंदर वो गिर गई, सीधे बाल्टी में अंदर हो गया। तो 10 महीने की थी। अभी क्या कुछ? अभी उसका पोस्टमार्टम के लिए आए हैं, पोस्टमार्टम हो रहा है। कहाँ की घटना है? ये घटना है बालाजी हाइट्स है, महालक्ष्मी नगर में। आपका परिचय? आरक्षक दुर्गा प्रसाद दांगी, थाना लसूड़िया। चंपालाल। क्या नाम है आपकी गुड़िया का? नंदनी। क्या हुआ था? पानी की बाल्टी भरी थी, उसमें डूब गए। कितने महीने की थी? 10 महीने की। कैसे, क्या कुछ बताया, मालूम पड़ा कैसे क्या हो गई? वो पानी के पीने के कारण क्या आ रही थी क्या मालूम, ऐसे तो वो गिर गए। आप लोग कहाँ गए थे? हम काम करने गए थे। घर तो कौन था? छोटी बच्ची थी वो, 8-9 साल की। काई में डूब गई थी वो पानी की बाल्टी में पीने के, भरी हुई थी वो? जी। किन्ने देखा आपको? एक जीजी ने देखा था, तो मेरे को बुलाने जा रही थी, मैं उधर से आ रहा था।